तो चलो यार, आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे रास सिस्टम वर्क करता है। तो RAAS मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे सेंसेस ये बॉडी रिसीव करता है, तो यही हम देखते हैं। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब भी बॉडी में हाइपोवोलेमिक सिचुएशन आए, मीन्स सडन ब्लड लॉस हो जाए, लाइक हीमोरेज, मतलब किसी के एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसे एक हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, मीन्स ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बीपी कम हो गया। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिया और बीपी यदि कम हुआ तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। यदि ब्लड में हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, मीन्स सोडियम सोडियम का लेवल कम हो जाए, तो इस कंडीशन में भी रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। और कई सारे अदर फैक्टर भी होते हैं जो कि रास सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो मेनली इसमें किडनी रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किडनी में क्या क्या कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो कि ये सब चीज़ें रेगुलेट करती हैं। तो किडनी को देखते हैं कि किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक तो किडनी का कॉर्टेक्स वाला भाग जो कि आउटर एरिया होता है, और इनर पार्ट मेड्यूला बोलते हैं जिसे हम। तो किडनी में दो पार्ट हो गया, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अब किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने सिर्फ रीनल कॉर्पसल को ही शो किया है। रीनल कॉर्पसल में अपना ग्लोमेरुलस आता है। ग्लोमेरुलस मीन्स टप टॉप द कैपिलरीज, जिसमें एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल दोनों आपस में यूनाइट होती है और एक ग्लोमेरुलस को फॉर्म करती है। और ये बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लोमेरुलस क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है उसके। ये दोनों को आपस में मिलकर हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। ठीक है, अब रीनल कॉर्पसल ही मेन फिल्ट्रेशन के दौरान हेल्प करता है। मीन्स जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से आकर एफरेंट आर्टरियोल से निकलता है, तो जो भी ब्लड है, ब्लड में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भी नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से फिल्टर होके इस बोमन कैप्सूल में आ जाती है, और यहीं से फिर यूरिन फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये आगे की प्रोसेस होती है, ये हम और कभी किसी वीडियो में जानेंगे। तो रीनल कॉर्पसल की बात हमने कर ली है कि ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल का दोनों को मिलकर हम रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब मेन हमारा टॉपिक है रास सिस्टम। तो रास सिस्टम में मेनली जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल का एक मेन रोल होता है। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या होती है कि जो अपने एफरेंट आर्टरियल होती है उसी में ये जस्ट लगी होती है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, उसके एंडोथीलियम में, जो कि मसल्स का ही एक मॉडिफिकेशन है बोल सकते हैं, जेजी सेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेसिस सेल। लेसिस सेल क्या होती है? अपनी जो मैसेंजियल सेल होती है, मैसेंजियल सेल होती है अपना जो बोमन कैप्सूल हो गया और जो ग्लोमेरुलस हो गया, इन दोनों के बीच एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल होती है जिसे हम मैसेंजियल सेल बोलते हैं। और मैसेंजियल सेल का ही जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर पार्ट है, मीन्स ये ग्लोमेरुलस हो गया तो इसके जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेसिस सेल। तो मैसेंजियल सेल का जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर पार्ट है वो कहलाता है लेसिस सेल। ठीक, हमने जेजी सेल के बारे में बात कर लिए, हमने लेसिस सेल के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे मैकुला डेंसा की, व्हाट इज मैकुला डेंसा। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर जानेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये हो गया डीसीटी। तो लूप ऑफ हेनले का है थिन डिसेंडिंग लिम, ये थिन असेंडिंग लिम, और ये है थिक असेंडिंग लिम। तो अब इसी का स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं कि जो थिक असेंडिंग लिम होता है और जो डीसीटी होता है, उनके बीच में बहुत सारी सेल्स ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाती है, डेंस हो जाती है, और उसी सेल के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। तो इस मैकुला डेंसा का एक बहुत ही अहम रोल होता है इस रास सिस्टम में, कि जैसे ही हाइपोनेट्रीमिया हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो ये सारे जो भी चेंजेस है वो इस मैकुला डेंसा में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सेंस करने का काम है मैकुला डेंसा का। तो जैसे ही मैकुला डेंसा ने ये सब चीज़ें सेंस की, तो फिर अब हम बात करते हैं कि जो अपना जेजी एपरेटस होता है, इसमें तीन सेल्स आई। हमने पहले देखा कि जेजी सेल्स, लेसिस सेल्स और मैकुला डेंसा। ठीक है,
जो कि जेजी एपरेटस बनाता है, और इस सेल्स में जो मैकुला डेंसा होती है वो सेंसर के रूप में काम करती है, जो कि सारी चीज़ें सेंस करेगी कि हाइपोनेट्रीमिया कैसे हुआ। और जैसे ही सेंस हुआ कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो वो अपना सिग्नल भेजेगी जेजी सेल को। जेजी सेल क्या करेगी? रेनिन का सिक्रेशन। जैसे ही संकेत गया जेजी सेल पे, उसने रेनिन का सिक्रेशन किया, अब मेन फंक्शन आता है रेनिन का।